वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जे क्लोन जॉब। स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिला तो ऐसे में हमको क्या करना है। आपने फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया बट आपको कॉलेज नहीं मिला, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं और आपका सपना है कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है केवल। सो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जिनको सेकंड काउंसलिंग में मिल गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बट जिनको नहीं मिला वो निराश ना हो क्योंकि कोई ना कोई हल तो होता ही है, किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। ऐसे में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कॉलेज नहीं मिला या तो आप प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि कोई ना कोई सीट वैकेंट अवश्य होगी। आपको निराशा देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है कि हमें तो इसी फील्ड में एंट्री मारनी है। और ऑप्शन बचा है आपके पास कि आप कॉलेज डिग्री ले सकते हो, जिस लाइक BSc कर सकते हो आप, इसके अलावा कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो, आपके जो पसंद है जो आप लाइक करते हो उसे कर सकते हो। बट आपको ये मेडिकल फील्ड से दूर ले जाएंगे, तो अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है ना स्टूडेंट तो इसके लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ अगर यही करना है तो इसके लिए आपको अपना एक साल का गैप देना पड़ेगा, यानी कि आपको अब एक साल तक स्टडी करनी पड़ेगी। इसकी अच्छे से स्टडी इतने अच्छे से करनी है स्टूडेंट कि आपको जो भी एक प्योर गवर्नमेंट है वो मिल जाए, मैं तो यही कहूँगा अगर आपको इसी में जाना है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट की एलिजिबल नहीं हो कि आपकी सैलरी उतनी नहीं है, आय उतनी नहीं है कि आप उसकी अफोर्ड कर सको फीस प्राइवेट कॉलेजेस की, तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि अच्छे से जितने भी आपके नोट्स थे 12th के 11th के जितने भी किताबें थी एक साल में पूरी पढ़ डालो पूरी, और फिर देना BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम। ऐसे रैंक बनेगी अच्छी वाली, बट आपको पूरा पक्ष इसी पे करना पड़ेगा। और आपका एडमिशन तभी होगा 2021 में होगा, फिर तो 2021 के लास्ट में होगा फिर, यानी कि एक साल का गैप तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक साल के गैप से आपकी ज़िंदगी भर लाइफ सेटल हो रही है तो एक साल गैप कोई मायने नहीं रखता, वरना ये एक साल का गैप आपको बाद में ज़िंदगी भर दुख दे सकता है। इसलिए आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें तो गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट से हमको तो BS नर्सिंग करनी है, पोस्ट BS नर्सिंग, MS नर्सिंग, जो भी आप करना चाहो मेडिकल फील्ड में एंट्री मारने का ये तरीका है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि नेट के जो स्टूडेंट होते हैं 3-3, 4-4 साल तक तो वही तैयारी कर लेते हैं, तो आप BSc नर्सिंग के लिए एक साल, केवल एक साल क्यों नहीं दे सकते? अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो गारंटी आपका नंबर अवश्य आएगा गवर्नमेंट में, अच्छे से दिल से अगर तैयारी करोगे ना BSc नर्सिंग की तो। और हाँ स्टूडेंट, ये मान के मत चलिए कि हम BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि हम नीट PMT की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में इसी का फॉर्म भी भर देना। अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप नीट का PMT का फॉर्म भर देना अगर तैयारी करो ना आप, तो या आप PMT की तैयारी करना, इस हिसाब से चेक कर चलना है आपको। और फिर जून में BSc नर्सिंग का जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, BSc नर्सिंग का तब भर देना। यानी कि दोनों दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे मान के चलो। नीट में नहीं तो BSc नर्सिंग में तो आएगा ही आएगा, ये तो ऑप्शन है ही सही है आपके पास। और आप जो चाहोगे वो कॉलेज मिल जाएगा, अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे ना आपके इसमें BSc नर्सिंग में, तो आपके जो ज़िले का है आसपास का है वही कॉलेज आपको मिल जाएगा ओनली एक साल के वेट से। और एक साल क्या, अब तो थोड़े से दिन ही बचे है, ये हमारा दिसंबर गया, अब तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5-6 महीने बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो तो आपको एक साल तो खोना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको BSc नर्सिंग की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, जितने भी पिछले साल के पेपर है वो अच्छे से देखना पड़ेगा, पूरे सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, और क्राइटेरिया क्या क्या है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो सब देखना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं, घर पर भी आप स्टडी कर सकते हो, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत ही यूट्यूब पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी कोचिंग की जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो स्टूडेंट, मैं उन स्टूडेंटों से यही कहना चाहूँगा कि आपका किसी भी काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है और आप प्राइवेट से नहीं करना चाहते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो प्लीज़ आप एक साल का गैप देख के अच्छे से दिल दिमाग से अच्छे से पूरे तन मन से अगर पढ़ाई करोगे ना तो आपका ज़रूर BSc नर्सिंग में अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा। हो सके आपको प्योर गवर्नमेंट मिल जाए तो एक रुपया भी देना नहीं पड़े, बट एक साल का आप तो यही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और तैयारी अच्छे से करो स्टूडेंट, और मैं तो कहता हूँ कि साथ में नीट की भी करो, दोनों पेपर की तैयारी करो आप, PMT की और BSc नर्सिंग की। PMT नहीं सही, BSc नर्सिंग में तो होगा ही होगा, और हो सके आपकी किस्मत अच्छी हो तो नीट में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे साथ हो जाता है ऐसा अक्सर।
तो स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका किसी भी काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आज से ही लग जाइए, 11th और 12th की जितनी भी बुक्स है, जितने भी नोट्स है, उनको निकाल लीजिए और अपना खुद शेड्यूल बना लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। और फॉर्म भर देना अगर आप नीट का भी देना चाहते हो साथ में, क्योंकि बी एस नर्सिंग की तो आप तैयारी करने लग गए हो, तो साथ में ये भी देख लेना कि हम नेट का भी दे दें तो अच्छा ही है, क्योंकि एक साल तो हम तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। और अवश्य आपका नंबर आएगा स्टूडेंट अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे आपने, क्योंकि क्राइटेरिया तो समझ लिया, एक साल में नहीं होता, एक साल में सभी का थोड़ी ना होता है, दूसरे साल में हो जाएगा अपना, इस साल में नहीं हुआ तो। अब आपने बी एस नर्सिंग का अगर 12th के बाद ही दिया होगा जहाँ तक मेरा एवरेज है, और बहुत सारे होते हैं जो तैयारी करके देते हैं एक साल, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और जो नीट की तैयारी करके देते हैं उनको तो अच्छा मिल देता है, प्योर गवर्नमेंट मिल ही जाता है, और जो टैलेंटेड होते हैं उनको तो 12th के बाद ही गवर्नमेंट मिल जाता है, प्योर गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट एक साल का गैप ही सही, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो चीज़ों को, और अपने आप से वादा करो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही प्राप्त करना है, जी तोड़ के मेहनत करो, आपका अवश्य नंबर आएगा। एक साल का गैप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है स्टूडेंट, मैं तो यही कहूँगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आपके पास, कि ऐसा भी हो सकता है क्या। प्लीज़ स्टूडेंट अपने जो विचार, अपने थॉट है कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए कि कौन सा सही रहेगा मेथड, क्योंकि मैंने देखे ज़्यादातर, मैंने ऑब्जर्व किया है जिनका स्टूडेंटों का सपना होता है मेडिकल फील्ड में जाने का, उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो एक साल की तैयारी कर लेते हैं गैप दे के। एक साल का गैप ही सही बट तैयारी अच्छी हो जाती है, ये तैयारी आपके बाद में भी काम आती है, और जो एक बार कॉलेज मिल गया तो लाइफ टाइम आपके छाप लग गई, मतलब जो गवर्नमेंट आपने एक साल मेहनत की ना वो ज़िंदगी भर दिखाई देगी, और अभी आप लापरवाही में किसी में एडमिशन ले लोगे तो ज़िंदगी भर तकलीफ बन जाएगी ना। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक साल तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी, हमें कोई और तरीका अपनाना है, तो आप अपने थॉट है उस प्लीज़ कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए।